ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके विकास कार्यों की, उनके विभाग के विकास कार्यों की, साथ में बात करेंगे उत्तराखंड में चल रही राजनीति पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। आप उत्तराखंड के उन मंत्रियों में हैं जिनके पास विभाग का पहले का कोई अनुभव नहीं रहा, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। किस प्लान के तहत आपने काम शुरू किया और क्या काम अभी करना बाकी है? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का और पार्टी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इतने परचम बहुमत के बाद, और मैं पहली बार विधायक बना था और मुझे मंत्री बनाया, और उससे बड़ी बधाई मैं दे रहा हूँ अपने क्षेत्र की जनता को जिन्होंने मुझे वहाँ से चुनाव जीत के भेजा। और जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना, सहकारिता मंत्री बना और दुग्ध विकास का मंत्री बना और प्रोटोकॉल का, तो स्वाभाविक ये था कि मेरे का चैलेंज था। और आज 5 महीने हमारी सरकार को हुए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जो विश्वास मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर जताया, मुझे लगता है कि मैं उस विश्वास पर खरा उतर रहा हूँ। और मैंने उच्च शिक्षा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, सहकारिता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, दुग्ध विकास में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, और प्रोटोकॉल में भी मैंने जो आज तक की प्रथा थी उसको थोड़ा सी अलग व्यवस्था बनाई है। और आज लोगों को विश्वास ये जरूर हो रहा है कि उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है वो एक ईमानदारी से काम कर रही है और ग्राउंड पे काम कर रही है। और अभी तक इन 5 महीनों में हमारे जो 95 ब्लॉक हैं उत्तराखंड के, 90 ब्लॉकों का मैं भ्रमण करके आ चुका हूँ और प्रत्येक जिले का मैं भ्रमण करके आ रखा हूँ, और अभी तक मैं 75 डिग्री कॉलेजों में भ्रमण करके आ रखा हूँ, और जितने विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में, मैं प्रत्येक विश्वविद्यालय में होके आ गया हूँ। तो इन कम समय में इतने ग्राउंड लेवल पे जाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं गया हूँ वहाँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे कई बार लगता है कि किताबों से ज़्यादा ज्ञान जो है धरातल पे हो जाता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आज बुलाया। आपके पास 4 विभाग हैं, कहना नहीं चाहिए कोई भारी भरकम विभाग नहीं है, लेकिन इस छोटे समय में आपने कई भारी भरकम निर्णय भी किए और भारी भरकम मैसेज भी दिया, तो इसके पीछे क्या माना जाए? जो आपका पिछला अनुभव है वह रहा, या आप जो इतने दिनों में मुख्यमंत्री आपके साथ ऐसे मिले या मंत्रिमंडल के सदस्य मिले, इसको किसको आप इसको क्रेडिट देना चाहेंगे? देखो, मैं पहला श्रेय तो अपने मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चारों विभाग दिए हैं। दूसरा श्रेय ये देता हूँ मैं कि भाई दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कि बिना इच्छा शक्ति के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और तीसरा ये था कि मैंने लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्णय लिए। माना मैंने कॉलेजों में कहा कि भाई तिरंगा झंडा लहराना है, वंदे मातरम करना है, राष्ट्रगान करना है, सौर्य दीवार लगानी है, ड्रेस कोड करना है, तो मैंने कहा कि मैं वही करूँगा जहाँ 51% छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लगभग 3 लाख छात्र छात्राएं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं 75 कॉलेज में अभी तक होके आ गया हूँ। अभी तक शिक्षा मंत्री डरते थे कॉलेज में जाने में, लेकिन मैंने कॉलेजों के बीच गया हूँ, छात्रों के बीच गया हूँ, और मैंने उनके हित की बातें की। मैंने कहा भाई 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, और 180 दिन जब पढ़ाई होगी तभी हम देश और दुनिया की रैंकिंग में आएंगे। मैंने उनको कहा कि शैक्षिक कैलेंडर प्रकाशित होना चाहिए। मैंने कहा कि जो मॉडल पेपर बिक रहे हैं बाजारों में, इनको मैं बंद करने वाला हूँ ताकि छात्र पढ़ाई करें। तो सकारात्मक मुद्दे भी कई बार लोगों को अच्छा जो है लगता है। आपने जो महत्वपूर्ण काम गिनाया, आपने वंदे मातरम, झंडारोहण, ड्रेस कोड, आप करते अच्छे उद्देश्य, लेकिन कंट्रोवर्सी में आ जाता है। वंदे मातरम आपने कहा, लोगों ने उसको जोड़ दिया कि जो उत्तराखंड में वंदे मातरम कहेगा वही उत्तराखंड में रहेगा। ड्रेस कोड आपने किया, आपकी एक मतलब भाजपा की विंग कह लीजिए, उसने एबीपी ने विरोध कर दिया, शिक्षक का एक संगठन ने विरोध कर दिया, झंडे फहराने की आप बात करते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड क्या आज माना जाए कि अगर देशभक्ति से रिलेटेड कोई आप बात कहोगे तो आदमी मान लेगा कि कहीं ना कहीं आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो चीजें कॉलेजों में लागू की हैं जी, कॉलेजों से कहीं विरोध के स्वर नहीं आए, और अगर विरोध के स्वर आते तो मुझे लगता नहीं कि मैं इन चीजों को कर पाता।
है बात। ठीक है कि कुछ संस्थाओं ने किए, कुछ लोगों ने किए होंगे, और लोगों ने भी, क्योंकि अब चूंकि हमारा विपक्षी दल है कुछ, तो वो कुछ मेरे अच्छे निर्णयों पे मेरे साथ नहीं देंगे, कभी मेरे गलत निर्णयों पे नहीं देंगे, ये तो होता रहता है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए और प्रदेश के लिए और देश के लिए, अगर मैंने कहा कि भाई प्रत्येक प्रोफेसर को 5 घंटे अनिवार्य रूप से उसको कॉलेज में रहना पड़ेगा, सही बात, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को खराब लगेगा। मैंने कहा कि वे प्रत्येक कॉलेज में, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब हमारा संविधान लिखा तो उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज वंदे मातरम होगा, राष्ट्रगान हमारा जनगणमन होगा और राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा होगा। तो मैंने अगर कहा कि वे कॉलेजों में ये होना चाहे, ताकि कॉलेजों में लोगों को देश प्रेम की भावना से अवगत कराया जाए, सही बात, क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश ऐसा है जहाँ की सर्वाधिक फौज के लोग रहते हैं, और आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक हमने सर्वाधिक अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो उत्तराखंड के लोगों ने दी हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं सौर्य दीवार बनाना चाहता हूँ विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में, जो 21 परमवीर चक्र हमारे देश के रियल हीरो हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, मैंने उनके फोटो, उनका जीवन परिचय जब कॉलेजों में लगा रहा हूँ, तो कहीं से कोई विरोध के सुनिया है। अब जो है लोगों ने वंदे मातरम के नारे खूब लगाए, राष्ट्रगान खूब किया और कॉलेजों में एक अच्छा वातावरण बना। अब मेरा कहना है कि 365 दिन में अगर मैं कहता हूँ कि 180 दिन भाई छात्रों को पढ़ना चाहिए, और जो छात्र नहीं पढ़ेगा मैं उसके गार्जियन को कहूँगा कि भाई आपका लड़का कॉलेज में नहीं आ रहा है, तो प्राचार्यों ने भी, हमारे प्रोफेसर लोगों ने भी, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और पहली बार उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमने 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए रास्ते खोले, और लोक सेवा आयोग से हमने उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि पहली बार मैंने हिम्मत का काम किया अपने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, कि हमने जो है सारा आरक्षण, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे जनजाति का हो, सारा बैकलॉग मैंने उच्च शिक्षा में पूरा किया है। और हिम्मत से जी कैसे यार, आज का माहौल देखिए, आज का नौजवान ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके साथ जी रहा है। उसमें आप कहते हैं कि वंदे मातरम कहना है, झंडा फहराना है, शौर्य वाल करना है, तो उनको कैसे पता चलेगा इसका महत्व? देखिए दो बातें हैं, मैं स्मार्ट क्लास की भी बात कर रहा हूँ, मैं ई लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, मैं वाईफाई फ्री देने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जो टॉपर्स विद्यार्थी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं उसको हम मुख्यमंत्री की तरफ से एक एक लैपटॉप जो है फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, तो हम टॉपर्स विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। मैं सुपर 30 चला रहा हूँ, सुपर 30 में हम 30 बच्चों को IIT की कोचिंग कराते हैं, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि 21 लड़के हमारे उत्तराखंड के IIT में सिलेक्ट हुए और फ्री में देते हैं। अब मैं सुपर 100 चला रहा हूँ इस बार, उसमें हम 50 लड़कों को, जो छात्र छात्राएं हैं हमारे, गरीब जो छात्र छात्राएं हैं, टॉपर हैं जो, उनको ISPCS की कोचिंग कराएंगे, और 50 बच्चों को हम जो है NIT से लेके, MBBS से लेके, और जो भी वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसकी कोचिंग कराएंगे। और पहली बार हमने सुपर 100 लॉन्च किया है, और उसके लिए हम निशुल्क कोचिंग कराना चाहते हैं। इतने नहीं कि हमने 100 बच्चों को, हम जो टॉपर्स विद्यार्थी हैं, अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं और उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम 100 बच्चों को फ्री में रिसर्च भी कराना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने पहली बार 2.75 लाख छात्र छात्राओं का मुख्यमंत्री छात्र बीमा योजना के तहत जो है 0 बैलेंस पे सबका दुर्घटना बीमा योजना चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मैं एक ही पक्ष नहीं देख रहा हूँ, मैं अगर राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ तो छात्रों को जो है IT की भी बात कर रहा हूँ, स्मार्ट क्लास की भी बात कर रहा हूँ, ई लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, वो गरीब विद्यार्थियों की भी बात कर रहा हूँ, पठन पाठन की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में एजुकेशन हब कहा जाता था देहरादून, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड की एक पहचान बनी, लेकिन कुछ समय में, पिछले समय में देखिए, जिस तरह से यूनिवर्सिटियों को आप लोगों ने यहाँ पे मान्यताएं दी, कम से कम 2 दर्जन यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आ गई, आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन ये जो कह लीजिए तो एक मोटी भाषा में कुकुर मुत्तों की तरह जैसे 2 दर्जन यूनिवर्सिटियाँ आ गई, उससे आपको लगता नहीं जो हमारा मूल शिक्षा था उसका स्वरूप बदल गया? देखिए दो बातें इसमें, सही है कि पिछली सरकारों ने कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मान्यता दी है, और आज हमारे पास इस छोटे से राज्य में 31 विश्वविद्यालय हो गए, डीएमडी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट सारा मिला 11 विश्वविद्यालय हमारे गवर्नमेंट के हैं, बाकी 18 विश्वविद्यालय जो है निजी है।
अब जितने निजी विश्वविद्यालय थे उनके एक्ट में ये लिखा था कि वो स्वतंत्र हो। पहली बार मैंने हिम्मत का काम करके किया है हमारी सरकार ने कि अब फीस कमेटी की तरफ से फीस ली जाए और अगले साल से चाहे वो MBBS की फीस हो, चाहे पेट्रोलियम की फीस हो, चाहे NIT की फीस हो, अब सरकार तय करेगी कि कितनी फीस है। वेरी गुड। और इतने नहीं किया, जितने प्राइवेट विश्वविद्यालय यहाँ, मैंने उनको कहा कि भाई आपका उत्तराखंड में क्या योगदान हो सकता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने एक एक महाविद्यालय गोद ले रहे हैं। अच्छा। उन महाविद्यालय में पुस्तकालय भी देंगे, वहाँ लाइब्रेरी भी देंगे, शौचालय भी देंगे और फर्नीचर भी देंगे। वो अपने आय का 5% से लेकर 10% हमारे डिग्री कॉलेज में खर्चा करेंगे। कुछ UGC की जो नॉर्म्स होती है उसके अगेंस्ट भी कुछ यूनिवर्सिटियों को यहाँ पे मान्यताएं दे दी गई है, क्या उसकी जांच के विषय में आपने सोचा या करें? दो बातें हैं कि UGC के नॉर्म्स, UGC दो प्रकार के मान्यता देती है। एक तो देती है कि गवर्नमेंट कॉलेजों को, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं UGC का मानक यह है कि राज्य सरकारें में उसमें शिथिलता ले सकते हैं। अच्छा। तो उनकी कितनी ज़मीन है, वो 3 साल तक उतना बना सकते हैं। अगर माना कहीं भी मुझे लगेगा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय UGC के मानक पूरा नहीं कर रहा है तो मैं 100% उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। और इतना ही नहीं, हम बिना नियम कानून से किसी भी विश्वविद्यालय को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटियाँ होती थी, हम लोग देखे हैं, हम चाहे वो BHU यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ की हो, यहाँ की भी गढ़वा यूनिवर्सिटी, जो कई सैकड़ों एकड़ में होती थी, आज क्या है, 5 एकड़ में हो जा रही है, 6 एकड़ में हो जा रही है। तो हमारी समझ से जो शिथिलता बरतने का काम राज्य सरकार ने किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम न्यूज। आलम इस्लाम को ईद उल अजहा मुबारक। मिन जानिब हबीब्स कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल। प्राइम न्यूज से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आलम इस्लाम को ईद उल अजहा मुबारक। मिन जानिब हबीब्स कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अपराध से पहले अपराध के बाद, गुनहगार छोड़ता है कोई ना कोई निशान। मौकाए वारदात से लेकर दास्ताने जुर्म के अंजाम तक, देखिए क्राइम का प्राइम शो प्राइम क्राइम, रोजाना रात 10:30 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ हैं उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनसे हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी को लेकर, बात कर रहे थे इनके दुग्ध विकास को लेकर के। छात्रवृत्ति घोटाला यहाँ होता है, बहुत आरोप लगते हैं कि लड़के भी उसका पैसा लेके भाग जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं या स्कूल हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, उसकी आप लोगों ने जाँच भी शुरू की, कहाँ परिणाम पहुँचा इसका? देखिए, मेरे पास 3 प्रकरण आए हैं छात्रवृत्ति घोटाले के, और विशेषकर सारे प्रकरण ही समाज कल्याण के, और 9.5 करोड़ का घोटाला अकेले DEV कॉलेज का है, और 2.5 करोड़ का तो ऐसा है कि एक बैंक से चेक आया और दूसरे बैंक से चेक पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए मैंने वहाँ के प्राचार्य जी से कहा कि आप FIR करिए, और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार छात्रवृत्ति घोटाले में FIR हुई है। और मैंने SSP से, DIG से, प्राचार्य से 2 बार की हमारी बैठकें होगी, और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे। घोटाला खुला, कार्रवाई भी आपने शुरू की, लेकिन परिणाम नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि अभी जिस प्रचार को आपने कहा हो, या जिस लोगों, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो निशाने पे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, वह परिणाम तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे चाहे PM हो चाहे हमारे CM, 0 टॉलरेंस की बात अगर हमने की है, और पहला मंत्री मैं हूँ, मैं विधायक जहाँ से हूँ, मेरे क्षेत्र में 2 BDO लोगों ने पिछली सरकार में गड़बड़ किया था, बर्तन घोटाला हुआ था,
और मैंने उनकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद 22 लाख की उनकी पे रिकवरी हो गई है, वो सस्पेंड हो गए हैं। पहला जो है हमने परिणाम दिया है और मुझे आशा है कि छात्रवृत्ति घोटाले का परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्पेशली कहा है कि आपको पूरी तह में जाके जिन लोगों ने गड़बड़ किया उन पे एक्शन करना। दरअसल राव जी, उत्तराखंड की जनता को एक उम्मीद जगी है, तो उस उम्मीद को आप लोगों को जिंदा रखना होगा, क्योंकि पिछले समय में चाहे वो भाजपा सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही, लोग नाउम्मीद हो गए थे। तो अब जो उम्मीद आप लोगों ने जगाया है, जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी। एक बड़ा सेंसिटिव मामला है मूल्यांकन का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक एक टीचर को 100-100 कॉपियां जांच देते हैं, उनके पास उतनी न कैपेसिटी है न टाइम है, केवल पैसे के लालच में वो मूल्यांकन कॉपियों को जांचते हैं, देखते नहीं। इसमें क्या विचार है आपका और क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, मैंने जब सत्र नियमित की बात की पहली बार, तो 180 दिन पढ़ाई में हमने कहा कि 40 दिन में अब परीक्षा होगी, ठीक है, और 30 दिन में परीक्षा परिणाम घोषित की जाएगी। अभी तक 3-3 महीने में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं। पहली बार मैंने, क्योंकि थोड़ा मैं लेट, सरकार हमारी बनी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का हमने पहली बार केंद्रीय मूल्यांकन कराया, और अब मैंने सारे यूनिवर्सिटियों का केंद्रीय मूल्यांकन करा रहा हूं। और जो भी प्रोफेसर अब कॉपी जांचने जाएगा वो 3 दिन में कॉपी जांच के आएगा। और घर के लिए इस्लाम को ईद उल अजहा मुबारक। मिन जानिब हबीब्स कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल। प्राइम न्यूज से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आलम इस्लाम को ईद उल अजहा मुबारक। मिन जानिब हबीब्स कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अपराध से पहले अपराध के बाद, गुनहगार छोड़ता है कोई न कोई निशा। मौकाए वारदात से लेकर दास्ताने जुर्म के अंजाम तक, देखिए क्राइम का प्राइम शो प्राइम क्राइम, रोजाना रात 10:30 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। राजनीति के भंवर जाल में सियासत का स्वाद, मुद्दों की पड़ताल से खबरों का सूरत हाल, सटीक विश्लेषण के साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट रोजाना 9:30 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। अंधविश्वास का चढ़ा बुखार, पनप रहा पाखंड का कारोबार, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, टूटी पटरी मरते लोग, बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? अब खुलेगी सबकी पोल, जनता बोल आंखें खोल। रोजाना 3:30 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। सड़क से सत्ता के गलियारों तक, गांव गरीब और किसान से लेकर आपसे जुड़े सरोकार तक आवाज जो न दबे। जनता ये देखना चाहती है कि जिसने करप्शन किया वो सलाखों के पीछे गया। सच जो न छिपे, खबरों की पूरी पड़ताल। देखिए यूपी प्राइम रोजाना 9:00 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल। प्राइम न्यूज से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच
जरूरी है। अपराध से पहले अपराध के बाद गुनहगार छोड़ता है कोई ना कोई निशा। मौकाए वारदात से लेकर दास्ताने जुर्म के अंजाम तक देखिए क्राइम का प्राइम शो प्राइम क्राइम रोजाना रात 10:30 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। ये है प्राइम न्यूज क्योंकि सच जरूरी है। इतनी कॉपी एक प्रोफेसर को जांचने के लिए दी जाए। गुड, धन्यवाद आपका इस काम के लिए जो आपने किया, जिसमें हम लोगों को काफी दिनों से उम्मीद थी। दूसरी चीज, ड्रेस कोड को लेकर क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ कोई विरोध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा में टीचरों ने विरोध की बात, मेरे एनएसयूआई ने भी विरोध कर दिया, संगठन एक शिक्षक संगठन ने विरोध कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा में सारे शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है, मुख्यमंत्री जी से भी उनकी बात हुई है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोई सकारात्मक बातें हो जाएंगी। लेकिन उच्च शिक्षा में अभी किसी ने विरोध नहीं किया। उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारा छात्र संगठन है, और मैंने पहले सारे छात्र संगठनों की बैठक की और उसमें मैंने ये सारी बातें कही कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे कुछ सुझाव दिए हैं और मैं उनके सुझावों पर जरूर अमल करूँगा। उसमें मैंने ये कहा कि अगर कोई भी, देखो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उन सारे डिग्री कॉलेज में तो लगभग ड्रेस कोड सब जगह लागू हो गया है। जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा कई अलग अलग प्रकार की, कोई डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, कोई एडेड विश्वविद्यालय हैं, कोई एडेड डिग्री कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज हैं, तो कई जगह तो हमारा सरकार का सीधे हस्तक्षेप है, कई जगह हमारा सीधे हस्तक्षेप नहीं है। तो जो एडिड महाविद्यालय हैं, जैसे डीएबी है, डीबीएस है, ये जो 18 कॉलेज हैं, जी जी, इन 18 कॉलेजों में वहाँ की प्रबंध कमेटी भी जब तक तैयार नहीं होगी तब तक हम उन पर कोई चीजें थोप नहीं सकते। और मैं ये चाहता हूँ कि छात्र 18 साल से वयस्क हो जाते हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ने आते हैं, तो मैंने कहा कि अगर कोई चीज हम थोपेंगे तो वो जो है रिक्शन होगा। तो मैंने कहा कि मैं कॉलेजों में जाके सर्वेक्षण कराऊंगा और जिस दिन 51% छात्र छात्राएं हाँ कहेंगे उस दिन हम उसको लागू करेंगे। तो देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज 90% कॉलेजों ने जो जो बातें हमने कही मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, क्योंकि हमने व्यवहारिक बातें कही और हमने उनको कहा कि भाई कोई दिक्कत होगी तो थोपना नहीं। डॉक्टर धन सिंह रावत पे शुरुआती दौर में एक आरोप लगा कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, क्या ये माना जाए कि जल्दबाजी में दिया गया बयान था उस समय? नहीं, नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी। देखिए, जिस आन बान शान के कारण हमारे शहीदों ने देश की रक्षा की है, देश के लिए कुर्बानी दी है, और मैं आज भी कहता हूँ कि उत्तराखंड नहीं, भारत में भी अगर हमको इस नारे को लगाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि देश की संसद में मुझे बुलाया गया, निकाह साहब आपने ऐसा बोला, मैंने कहा मैंने बोला है, और वंदे मातरम पे किसी को कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि गली गली में गाने, हम ये कह रहे हैं कि कॉलेजों में अगर छात्र छात्राएं जो है राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम होता है, वहाँ तिरंगा लगता है, तो कॉलेज एक हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और ये कॉलेज जो है भविष्य की नींव रखने वाले हैं। तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कहीं साहब दुकान में भी खड़े हम तो वहाँ भी वंदे मातरम गाएंगे। कॉलेजों में कहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, कहीं दीक्षांत समारोह होते हैं, तो वहाँ अगर कार्यक्रम, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। और इतना ही नहीं, हमने लॉर्ड मैकाले की जो व्यवस्था थी दीक्षांत समारोह में, जो गाउन पहनाए जाते थे, उस गाउन को भी चेंज कर दिया। अच्छा, अब दीक्षांत समारोह में भारतीय परिधान हम पहना रहे हैं, ड्रेस डिजाइन हो गया, और उसकी ड्रेस डिजाइन के लिए 11 कुलपतियों की एक बैठक मैंने कमेटी बनाई है और निफ्ट उसकी तैयारी वो बना रहा है, और अब भारतीय परिधान में जो है दीक्षांत समारोह होंगे और उसमें उत्तराखंड का कल्चर भी जरूर हम रखेंगे, जो ड्रेस बनेगा, ड्रेस बनेगा। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ इसको, ये सारे विश्वविद्यालय में मैं 3 ड्रेस भेजूंगा, ए बी सी,
और उसमें मतदान कराऊंगा कि आपको ए ड्रेस पसंद है, बी ड्रेस पसंद है और सी ड्रेस पसंद है, और जब जिसमें सर्वाधिक लोग हाँ कहेंगे उस ड्रेस को, मतलब सबका साथ सबका विकास, जब सब साथ देंगे तभी आप उसको 100% मैं चाहता हूँ कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे ही कोई निर्णय को इम्प्लीमेंट करूं। आप बहुत, मैं जब यूपी में था तब से आपका नाम सुनता आ रहा हूँ, आप शुरू से लगे रहे हैं, चाहे आरएसएस रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने में, इस तरह के बयान कहीं ऐसा तो नहीं दिखाई देता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए या यूनाइट करने के लिए या किस, मतलब एक जात विशेष या कुछ लोगों के अगेंस्ट होता हो ये मामला? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे लगता है कि इसको इस तरफ से जोड़ना भी नहीं चाहिए, और अगर ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज भी बहुत संख्यक जो है वो हिंदू हैं, लेकिन हमारा नारा है हम सबका साथ सबका विकास, हम किसी भी अल्पसंख्यक समाज को ऐसी कोई कठिनाई में नहीं डालना चाहेंगे जिसके कारणों की उनको कोई दिक्कत हो। और मेरे विश्वविद्यालय में, हमारे डिग्री कॉलेजों में, सरकार के जितने भी कॉलेज हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय, वहाँ आज भी जो है माइनॉरिटी के जो है कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 30% छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। और इतना नहीं, जम्मू कश्मीर के यहाँ लगभग 15,000 छात्र छात्राएं हमारे उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, और मैं उन जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं का एक दिन अभी सेमिनार करने वाला हूँ कि भाई ये बताओ कि जिस जम्मू कश्मीर में लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको उत्तराखंड कितना सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और मैं तो शिक्षा बदलाव के लिए एक जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है कि शिक्षा में माँ, मातृभूमि और मातृभाषा की जगह होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं रहेंगी तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या करना है। हम माना हमने बहुत अच्छे प्रोफेसर बना दिए, माना हमने बहुत अच्छे डॉक्टर बना दिए, बहुत अच्छे विद्यार्थी बना दिए, और वो देश के काम नहीं आ रहे हैं, सब अगर विदेशों में जा रहे हैं, तो इस पर भी हम एक अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में ये विषय भी ला रहे हैं कि हम जिस छात्र पे अगर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि आप उच्च शिक्षा पे, आपके पास चार विभाग है, प्रोटोकॉल है, दुग्ध विकास है, सहकारिता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप उच्च शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, सर्वाधिक ध्यान मैंने अगर किसी पे दिया है तो सहकारिता विभाग, और उसके कारण उच्च शिक्षा कई बार पीछे छूट जाते हैं। सहकारिता में हमने बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, पहली बार पूरे देश में हमारा पहला प्रदेश है जिसने ऑनलाइन सदस्यता करा रहा है सदस्यता विभाग के। अभी तक सहकारिता विभाग कुछ लोगों की जेब में था, हमने इसको ओपन कर दिया है। जो हमारे 759 पैक्स हैं, हमारे जो हर न्याय पंचायत में साधन सहकारी समितियां, उन सारी साधन सहकारी समितियों में पहली बार हम उनको बहुदेशी बना रहे हैं। हम पेट्रोल पंप भी लगा सकते हैं, हम बहुदेशी कोई भी काम करा सकते हैं उनमें। और इतना ही नहीं, हमने पहली बार 1025 स्थानों पर साधन सहकारी सम्मेलन किए हैं जिसमें 300,000 से ज़्यादा लोग आए हैं। और मैं जब मंत्री बना तो मैंने एक महीने के बाद परेड ग्राउंड मैदान में 7 दिन का सहकारिता का मेला कराया जिसमें 250,000 लोग से ज़्यादा आए हैं। और पहली बार हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के रूप में 25 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं सहकारिता विभाग के माध्यम से, कि हम 1,00,000 रुपए तक का ऋण जो है 2% में किसानों को देने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी ये महत्वाकांक्षी योजना है ताकि किसानों की आय जो है दुगनी की जा सके। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली शिक्षा विभाग में ध्यान दे रहा हूँ, सर्वाधिक ध्यान में दे रहा हूँ सहकारिता विभाग और दुग्ध विकास में, क्योंकि दोनों विभागों से हम चाहते हैं कि पहाड़ का पलायन भी रोका जा सकता है और पहाड़ में रोजगार भी दिया जा सकता है। चारों विभाग आपके पास हैं, महत्वपूर्ण विभाग है, प्रोटोकॉल को एक साइड में कर दिया, 3 महत्वपूर्ण विभाग है जिससे आप पलायन भी रोक सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं। कौन से आने वाले समय में आपके मास्टर प्लान में ऐसा है कि क्या क्या योजनाएं ऐसी है जिसे इम्प्लीमेंट करना है? अभी हमारे इस एक साल का जो एजेंडा है दुग्ध विकास विभाग में, हमारा एजेंडा यह है कि हम गौ पालन के क्षेत्र में, हमारी एक साल में योजना यह है कि हम लगभग 20,000 गायों को देना चाहते हैं लोगों को। गुड। और उसके लिए हमने चाहे कहीं से लोन लेना पड़े वो भी करेंगे। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि लोग अच्छा दूध पिए, तो या तो माँ का दूध शुद्ध है या फिर आंचल का दूध शुद्ध है,
इसके लिए भी हम सरकारी स्तर पे एक अभियान चलाने वाले हैं। अभी मैंने चलाया भी दूध का दूध और पानी का पानी। उसमें क्या होगा कि जो फर्जी दूध बिक रहा है उत्तराखंड में, इस पर हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है अगर गलत दूध हमने दे दिया तो वो जो है अपंग भी हो सकते हैं, लकवा भी हो सकते हैं और उन पर कई बीमारियां लग सकती हैं। इसके लिए हम कलेक्टरों के माध्यम से एक समिति बना रहे हैं और उस पर जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। और पहली बार हमने प्रत्येक दुग्ध संघ को अब DPMCO फ्री दे रहे हैं, फ्रीज भी दे रहे हैं उनको, उनको जो है केन भी दे रहे हैं ताकि उनका दूध फटे ना। तो दुग्ध विकास में हमने बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। और सहकारिता में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम क्लस्टर बना के और गांव-गांव में हम चाहते हैं कि लोग सामूहिक खेती करें। और जो जिसका शेयर माने, हम चार लोग हैं, चार लोग हम इकट्ठे खेती कर रहे हैं, तो आपका 20% तो आपको 20% देंगे, मेरा 10% है तो मुझे 10% मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है कि 2 साल में हम 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से रोजगार दे सकें। और उच्च शिक्षा में हमारा ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे ठीक हो सके, ताकि हमारे लड़के IAS भी बन सकें, PCS भी बन सकें, हमारे लोग कंपटीशन में जा सकें। और जो शिक्षा का ज्ञान देने का हमारा उत्तराखंड का आज तक का पहले पूरे देश में उठा, आज भी हम चाहते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि हम बिहार और केरल से ISPCS में आगे निकल जाए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी का हमारा विजन है, हमारी सरकार काम कर रही है, हम निश्चित साल में 2 सालों में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दें। धन्यवाद प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। ये थे धन सिंह रावत जी, जिन्होंने पिछले सरकार बनने के बाद पिछले समय में जिस तरह से काम किया है, हम मानते हैं कि वह उपलब्धियों में गिना जाएगा और गिना जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनके काम को देख के और मंत्री भी उससे सीख लेंगे और काम में गति देंगे, उत्तराखंड के विकास में अपनी पूरी योगदान देंगे। धन्यवाद, देख रहे प्रेम न्यूज। सफेद झूठ, यानी वो झूठ जिसे महिमा मंडित करके अलग अलग तरह से पेश किया जाता है। फेक न्यूज का खतरा